तो राम राम जी, क्या हाल चाल? आप बढ़िया? थारी सुनाओ। तो आज हमारे गांव में है कलश यात्रा। कलश यात्रा राहुल के विषय पर कलश यात्रा बताइए एक बार। क्यों भाई? कलश यात्रा जो आज अपना गांव में के विषय पर है? भगवान श्री राम को 22 तारीख को मंदिर ओपन हो रहा है, इसलिए आज मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसी के लिए जागरूक कर रहे हैं साथियों। ये दोबारा हिंदी आ जाए यार, मैं क्या करूं? वो बार बार एक ही बात रही ने। हवा हिंदी बार बार हो जाए, मैं क्या करूं अभी? और अभी जान ला रहे हूँ ताऊ जी के साथ में ध्वज लेने, राम जी का ध्वज लेने ताऊ जी के साथ में जा रहा हूँ साथियों। मम्मी मम्मी जय श्री राम। क्या कर राहुल? अरे यार आ हिंदी वाली दिक्कत है, आ हिंदी बोलने की आदत गलत है, संज्ञा गलत सिखा दियो मैंने। ठीक है चलो साथियों, मिलते हैं आप लोगों से। तो एक बार ताऊ जी लेट आवेगा क्योंकि जी बंदन फोन मिलायो नहीं, बड़े बंदा फोन उठायो कोनी, और जितने भी को फोन आए तो मैं जा भी कौन सका, क्योंकि ध्वज वो ही देगो, राम जी का जो झंडा है वो ही देगो। तो एक बार देखा कितना टाइम लगा, एक बार पापा मिला। ओ कैसा हो? एक सेकंड इन आधे फिर यहाँ करूँगा नहीं, मैं इन्हों देरों देखी, इन्हों देरों देखी। ये रहा केशव, केशव ने व्लॉग बनाने छोड़ दिए साथियों, जो कि गलत बात है भाई साहब। मैं इतने व्लॉग बना सका जब याद आए तो व्लॉग नहीं तो। तो साथियों राहुल बिना बताए मेरे बटुए में 100 रुपये डाल रहा है, सब सब बड़ा भाई सबको मिले, और मेरे जैसा भाई भी सबको मिले। कितना ठीक है भाई, का ले? 100 ही का ले गए दो ना? 100 ही दे 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 दे। भाई ओके राम राम, ले तू राम राम के दे। अरे गुद्दड़ है यहाँ खंड रहे तो कौन करूँ मैं। ओके साथियों, मम्मी जाऊं मैं? राम राम। ताऊ बुला लियो, मनाती वाला बड़ा है। अरे वो कौन दी के दामगा करना है, वो सब्जी आड़ो दामगा गए बड़े। जाऊं माँ मैं? तो सोचो थाने एक बात ताने मैं भूल गयो कि अपने गांव में पहले पिछले कई दिनों हुए नहीं, 1 तारीख को, मतलब 1 तारीख को अक्षत वितरण को काम चलन लग रहा है। अक्षत वितरण मतलब जो अयोध्या जी पीला चावल आ रहे हैं नहीं, आमंत्रण निमंत्रण जो भी आपके वहाँ वहाँ आ रहे हैं अपने गांव में और पूरे गांव में वितरण होने ला रहे हैं, वहाँ मतलब बंटन ला रहे हैं सारा देवा, और तो बस इतना ही, और तो बस इतना ही। ये लोग ब्लॉग बनाने तक देखे हैं जी, वर्क क्यों करे फिर उन्हें सारा देखता क्यों जावे, समझ में को नहीं आवे। लेकिन चलो कोई नहीं, आप ताऊ जी को वेट कर ले, पर मैं मेरे डेस्टिनेशन पर पहुंच गया हूँ, ताऊ जी अस्ती आया को नहीं। ठीक है आप मिला भाई। तो साथियों ताऊ जी के साथ जाकर मैं ध्वज ले आया ताऊ जी के फार्म हाउस पे जाकर। तो साथियों मैं अभी ताऊ जी के साथ जा रहे, ध्वज ले आयो झंडा और राम जी का झंडा, और ले आयो मैं ताऊ जी के फार्म हाउस पर जाके के नाम लिए कर पोस्टर बैनर वगैरह सामान लिया जो कार्यक्रम में काम आया, आज बे लिया आयो, और इन कार्यक्रम की तैयारी ऑन ला रही है, गद्दा गद्दा आ गया सारा सामान आ लियो, ये इन्हें तैयारियां चल रहा है, कलाकार आ लिया है सारा, और अभी बस 11:30-12 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, कलश यात्रा शुरू हो जाएगी। तो साथियों एक बार घर जाना पड़ी क्योंकि चावल वितरण खातर जाना, अक्षत वितरण खातर भी मन जानो है, आजाद नगर जाना है। सुनील तिवारी जी को कॉल आयो, सुनील तिवारी जी RSS में हमारे, तो एक बार बड़े जाइ आऊँ मैं, वो भी जरूरी है बड़े जल्दी आ जाऊँ मैं, आज यात्रा में लेना मैंने। ठीक है मिला आप आगे, एक बार घर पहुँच जा, रोटी राटी खा लिया, 2 रोटी और काम में लागा। ठीक है मिला आप, बाय।
साथियों इधर साध्वी पवित्रा जी भी आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं साध्वी जी से। साध्वी जी जय श्री राम। 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 क्या आज का क्या कार्यक्रम हुआ बता दीजिए। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर है। मुझे तो अश्विनी ने ही बुलाया है और अश्विनी का ये सुंदर अश्विनी के द्वारा रचित ये सुंदर कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद RSS और पूरे देशवासियों के लिए बड़ी खुशी का ये मौका है। 500 वर्ष बाद राम जी अपने घर में आ रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में पूरा देश सब खुशियां मना रहा है। 14 वर्षों बाद आए थे तब दिवाली मनी थी और इस बार तो महादीपावली मनाने का सबके मनों में एक चाव है, उमंग है और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आज गंगवा गांव में ऐसी सुंदर झांकी शोभा यात्रा इन बच्चों के द्वारा गांव वालों के द्वारा निकाली जा रही है जिसमें मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। और हमारे साथ आज केशु पारिक ब्लॉग्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों में गंगवा गांव में भी भव्य यात्रा कलश यात्रा निकाली जा रही है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। साथियों शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है। भव्य में शोभा यात्रा गांव गंगवा से जो जगह जगह निकाली जा रही है वही शोभा यात्रा हमारे गांव में शुरू हो चुकी है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। जय राम। जय राम। भाई करता है तो फिर क्रिया गति बहुत ही यानी नष्ट हो जाता है।